जनता के प्रतिनिधि बनकर कुर्सी पर बैठे सांसद उसी को अब अपनी धमक दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ का एयर इंडिया के कर्मचारी को पीटने का विवाद पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि अब मधुबनी से बीजेपी सांसद हुकुमदेव नारायण यादव का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। हुकुमदेव नारायण यादव पर एयरपोर्ट पर कर्मियों पर रौब झाड़ने का आरोप है। दरअसल बीजेपी सांसद को पटना से दिल्ली आना था, लेकिन विवाद तब खड़ा हो गया जब पता चला कि सांसद महोदय अकेले बस में बैठकर प्लेन तक पहुंचे। सांसद हुकुमदेव ने अकेले बस में प्लेन तक जाने की मांग रखी और जेट एयरवेज के ग्राउंड स्टाफ ने उनकी बात मान ली और फिर उन्हें अकेले बस में बैठाकर प्लेन तक ले जाया गया, जबकि बाकी यात्री बस टर्मिनल पर इंतजार में खड़े रहे। हालांकि कुछ यात्रियों ने इस बात पर आपत्ति जरूर जाहिर की कि यादव के ऊपर इतनी मेहरबानी क्यों। आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट देश की उन गिने चुने एयरपोर्ट में से एक है जहां एरो ब्रिज की सुविधा नहीं है, इसलिए विमान तक जाने के लिए यहां अभी भी बस सर्विस चलाई जाती है। हालांकि आगमन पर विमानों की लैंडिंग इस तरह कराई जाती है जिससे टर्मिनल तक पैदल लोग आराम से जा सकें। तो पहले रविंद्र गायकवाड़ और अब सांसद हुकुमदेव नारायण सिंह शायद ये सत्ता के नशे में इतने चूर हो गए हैं कि ये भूल जाते हैं कि उन्हें यहां तक पहुंचाने वाली वही जनता है जिन्हें वो अपना रौब झाड़ते हैं। देखते रहिए डीबी लाइव।